आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फी या कहें आइसक्रीम। आज की कुल्फी खाके ना आपको बिल्कुल बचपन की याद आ जाएगी। कभी ना कभी किसी ने तो वो ठेले वाली कुल्फी होती है ना, जिसमें घंटी बजती है और दोपहर में हम सब निकल के जाते थे और देखते थे कि हाँ कुल्फी वाला आ गया और हम कुल्फी खाते थे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। मैं बिल्कुल उसी टाइप से बनाऊंगी पर बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज की कुल्फी हमारी शुगर फ्री कुल्फी होने वाली है। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं 30 से 35 डेट्स होंगे हमारे। ये मेरी क्वांटिटी है, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें अच्छे से साफ करके जो इसके अंदर की गुठलियाँ है ना, वो हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं अपनी डेट्स की। और इसे क्या करेंगे कि हम एक गर्म दूध लेंगे। मैंने एक कप दूध लिया है और दूध हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वार्म मिल्क होना चाहिए। और इस पर हम अपने डेट्स डाल देंगे और इसे लगभग 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, तो अच्छे से ये भीग जाएंगे। और हाँ, अगर आप इतना समय नहीं दे सकते हैं तो इसे 5 से 10 मिनट भी रख सकते हैं। तो इसे मैंने ढककर रख दिया है और हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पे, जिस पे मैं 500 ml मिल्क डाल रही हूँ। ये देखिए, और हमें इसे चलाना है जब तक इसमें खौल नहीं आ जाती। हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, अगर चलाएंगे नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे बैठ जाएगा, मतलब जल जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से खौलने लगा है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा ही डालना है। ये देखिए इतना। और इससे क्या होगा ना, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम क्या करेंगे अपनी कुल्फी को स्मूथ बनाने के लिए, 3 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर यानी 3 टेबल स्पून, और 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मिल्क। ये देखिए, मिल्क थोड़ा थोड़ा करके मिलाना, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। ये पतला सा एक पेस्ट हम इसका बना लेंगे। हम ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं, इससे क्या होगा हमारी कुल्फी ना बहुत ही स्मूथ बनेगी, माउथ मेल्टिंग कुल्फी बनेगी बिल्कुल से। तो आप ये ज़रूर प्रोसेस करें। ये देखिए, यहाँ हमारा दूध भी अच्छे से खौल रहा है। इस स्टेज पे हम इसे डाल देंगे और इसे हम चलाएंगे अच्छे से। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा देर तक दूध को नहीं चलाना रहेगा, ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा कर देता है, तो थोड़ा सा कुल्फी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अब इधर मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता। इनको हम पीस लेंगे मिक्सी पर दरदरा, थोड़े से ना चंक्स दिखने चाहिए, तो इस तरीके से हमें पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि कुल्फी खाते समय जब ये ड्राई फ्रूट्स के चंक्स हमारे मुंह पे आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए, 1/4 कप ये पाउडर बनकर रेडी हुआ है, इसे भी हम इस पे ऐड कर देंगे और इसे चलाएंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना, सिर्फ हम 10 मिनट ही चलाएंगे इसे, और इतने में ही हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और हाँ, आप देख सकते हैं मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं करी है और हम इसमें ऐड भी नहीं करेंगे। यकीन मानिए, हमारी कुल्फी बिल्कुल इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ हर बार आप ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। तो अब मैंने गैस बंद कर दी, हमें इतना ही गाढ़ा करना है। जैसे ये ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिकली और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब जब तक हमारा ये दूध जो हमने बनाया है ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर जो हमने ये डेट्स भिगोए थे तो इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, देखिए पिस गया है। तो अब हम इसे भी उसमें ऐड करेंगे। इतना हमें इस तरीके से पीसना है। इससे क्या होगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और कुल्फी भी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और इधर पे मैंने जब जैसे ही दूध ठंडा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून गुलाब जल डाला है, और जो ये हमने डेट्स पीसे थे हम इसको भी डाल देंगे। और गैस हमारी बंद है, गैस पे हमारा ये कढ़ाई रखा हुआ है पर गैस जल नहीं रही है, आप ये देख सकते हैं। और ये अब हमारा अच्छे से कितना देखिए गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक वीटर से अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वीटर नहीं है तो आप इसे हैंड वेस से करें, बट इसे मिक्सी से बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीस के डाले थे, वो बिल्कुल पिस जाएंगे, तो फिर वो आपके माउथ में वो अच्छे से फ्लेवर नहीं आएगा। और इस ये प्रोसेस करने से क्या होता है कि हमारी जो आइसक्रीम है ना, बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनेगी। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें।
और हाँ बिल्कुल मार्केट वाला ना जो फ्लेवर और टेस्ट आता है जो आप खाते हैं ना वहाँ वही स्वाद आएगा आपका। ये कुल्फी तो हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो अब इसे हम मोल्ड में डाल देते हैं। तो ये मैंने प्लास्टिक का एयर टाइट बॉक्स लिया है, इसमें मैं पलट रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से। और हाँ मैं फॉइल पेपर से इसको कवर कर रही हूँ, इससे क्या होगा आप फ्रीजर में जब इसे डालेंगे तो ऊपर से आइस नहीं जमेगी, तो आपकी कुल्फी ना खाने में स्वाद इसका ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, और चाहे तो इसमें ऊपर से कवर करें या नहीं करें, क्योंकि हमने फॉइल पेपर तो लगा ही दिया, लेकिन मैंने फिर भी इसका लिड भी लगा दिया है और हमारी कुल्फी बनकर रेडी हो गई है। तो निकालते हैं फ्रीज़र से और ये देखिए, और इसको कट करेंगे। आप आइसक्रीम मोल्ड में बनाएं या आप कप में बनाएं या कटोरियों में बनाएं, ये एक बेसिक इसमें मैंने आपको बना के दिखाया है कि स्वाद तो यही रहेगा, आप डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ में। और ये देखिए, मेरे पास तो ऐसे बॉक्सेस वगैरह थे भी नहीं ना डिज़ाइनर, तो आप इसमें फोक लगा भी सकते हैं, लकड़ी की चम्मच वगैरह रेडीमेड जैसा आता है, आप उसे कुछ किसी भी एंगल से किसी भी शेप में दाल ढाल सकते हैं। और देखिए ईजिली निकल आया, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी भी गर्मी नहीं हो रही है, ठंडक अच्छी खासी हो रही है, तो ये बहुत अच्छे से जम गई है। और ये देखिए, इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और हमारे यहाँ जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने पीसेस कट किए हैं, और बाकी की मैं वापस से फिर रख दूँगी। और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, ट्रस्ट मी, इतने यमी कि बिल्कुल माउथ मेल्टिंग। मैंने सभी को खिलाया, किसी ने भी ट्रस्ट ही नहीं कर पाया कि इसमें शुगर नहीं है, फिर मैंने बताया ये शुगर नहीं है इसमें। और ये देखिए कितना यमी है ना। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।